बाबा रे बाबा। अरे मैं ऊपर नहीं जा पा रहा रे। हाँ सो गाइस, ये जो नजारा है, भाई पहले कैमरामैन को उठा लेते। सो गाइस, ये जो नजारा है वो चलोगे तो चलो गाइस, आज आ चुके और एक नई वीडियो लेके। तो वीडियो में सबसे पहले दिखाता हूँ ये क्या बोलते हैं इसको, कूल का पेड़। भाई साहब ओपी ओपी कूल हुए और हमने भी दो तीन तोड़ लिए। तो आज जो वीडियो होने वाली है बताऊंगा नहीं, देखो आज जो वीडियो होने वाली है बताएंगा नहीं। अपन भैया को खाना दे के आएंगे और बहुत सारा चीज। आज मैं ज़्यादा कुछ बोल दिया तो समझ जाओगे, नहीं बोलूँगा, इसलिए पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो देख के फुल एंजॉय करके फिर कमेंट करो। वो सब चीज़ आप लोगों ने फिल्मों में देखी होगी, फिल्मों में देखी होगी। अभी तक यूट्यूब पे किसी ने वीडियो दिया ही नहीं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दिया है यूट्यूब पे, लेकिन आप लोगों ने देखा ही नहीं, उसमें प्यार दिया ही नहीं। प्यार दिया नहीं तो क्या हुआ, हम और एक वीडियो लेके आ चुके हैं तुम्हारे लिए। यहाँ पे मेरा जो क्या बोलते हैं भतीजा यहीं पे है और हम ढूंढ रहे हैं हमको डूंगा मिल जाए और हम उस पर जाएंगे। उस पर दिखा थोड़ा, उस पर जाएंगे और उस पर जाके भैया को खाना दे के आएंगे। खाना देख के आने के बाद जो आप लोग चीज़ देखोगे वो चीज़ बूम। तो चलो देखो, मज़ा करो। तो हम लोग उस पर जाने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मोबाइल का रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पे। अगर बाई चांस अगर मोबाइल डूब जाता है तो भाई वीडियो की ऐसी की तैसी और मेरा दिल टूट के एकदम चूर मार हो जाएगा। तो चलो दिखाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे, रिक्स लेंगे थोड़ा सा। भाई आप लोगों के लिए रिक्स नहीं लेंगे तो किसके लिए रिक्स लेंगे, आप लोग हो इसलिए तो रिक्स ले रहे हैं। तो चलो लेट्स गो। तो यहाँ पे हमको मिल चुका है क्या बोलते हैं इसको, डूंगा बोलते हैं यहाँ पे, बंगाली में डूंगा बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं। और नाव हमारी उस पर है, नाव नहीं है अभी। तो चलो वीडियो थोड़ा सा बंद कर दो और हम बूम टक नौका लेने, नौका हाँ आशा समय नौका लेने। ये देखो पीछे इधर हमारा नाव है और हम ये नाव लेके आएंगे। इधर गया वो नाव, वो देखो नाव और हम जा रहे हैं उस पर। कंटिन्यू माझी रे भाई, नॉलेज ने भाई। चलो चलो चलो, 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 चलो भाई, कुछ नज़ारा जो अलग है भाई साहब। पानी का नज़ारा देखो, खतरनाक एकदम, एकदम खतरनाक खतरनाक बोले तो एकदम जहर। और वो जो ब्रिज वो देखो देखो, अभी हम ऑफ करते हैं, आने के बाद फिर जा सकते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं और संतु भाई यहाँ पे हमारा जो डूंगा है वो बांध रहे हैं और यहाँ पे है एक बड़ा नाव और मैं ऊपर खड़ा हूँ। तो वो अभी बांध रहा है तो बांधने दो, उसके बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू चालू करेंगे। और सामने लोग मछली पकड़ रहे हैं, मछली भी दिखाएंगे भाई। आज जो नज़ारा दिखाने वाले हैं ना यूट्यूब पर पहली बार होएगा, पहली बार। चलो दिखाते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस हम इस पर आ चुके हैं और आने के बाद हमको जो लग रहा है ना, ये खाना देखे ना, हम लोग खाना खा लें, वो लोग भूखे मर जाएंगे भाई, भूखे मर जाएंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग खाना नहीं खा सकते, वो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, उन लोगों को खिलाना पड़ेगा, फिर घर पे लाना पड़ेगा, समझना पड़ता है ना भाभी के लिए घर पे। समझ रहे हो, समझ लो भाई, जो भी समझना है। हम लोग आ चुके हैं फिर से एक और एक जगह पे और हम अपने गाँव में आ चुके हैं। अरे बाबा, अरे मैं ऊपर नहीं जा पा रहा रे। हाँ सो गाइस, ये जो नज़ारा है भाई पहले कैमरामैन को उठा लेते। सो गाइस ये जो नज़ारा है वो भाई, ओ माय गॉड, दिस इज जो मैं बोल रहा था कि यूट्यूब में आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, वही चीज़ आज मैं सागर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। भाई साहब क्या ही खतरनाक नज़ारा भाई, मज़ा आ गया भाई, स्वाद आ गया भाई, इतना अच्छा ना। एक खेत नष्ट खराब हो जाएगा थोड़ा, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं अंदर जाऊँगा, बाहर ही रहूँगा ज़्यादातर। और हम लोग जाएंगे बहुत अंदर, जो कि आप लोगों ने पहली बार देखा होगा, वही चीज़ आज ये सागर आप लोगों को दिखाने वाला है, जो आप लोगों ने फिल्में में देखा होगा और बड़े बड़े क्यों छोटे छोटे यूट्यूबर ने भी नहीं दिखाया होगा आप लोगों को ऐसा नज़ारा, वो नज़ारा मैं सागर आपका दोस्त दिखाएगा। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं सरसों का खेत, जो भाई अभी तक किसी ने दिखाया नहीं होगा, दिखाएगा कैसे भाई। ये चीज़ देखने के लिए ना नसीब चाहिए, जो नसीब मेरे को मिला है भाई पहली बार। तो आओ
दिखाता हूँ। और हाँ गाइस, आप लोग अगर इसका मजा लेना चाहते हो तो जरूर मेरे कमेंट मैसेज में आप लोगों का नंबर दे देना। अगर कोई मेरे आजू बाजू में रहता है तो उन लोगों को मैं घुमाने का मौका मेरे को मिले तो मैं बहुत 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 ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत खुशी मिलेगी। तो चलो अभी हम लोग खेत, मतलब इतना बड़ा खेत है ना गाइस, तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसे मतलब इतना बड़ा भी खेत हो सकता है। तो गाइस बूम बूम, दिखाओ भाई ये नज़ारा ना भाई साहब, बहुत 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 बड़ा है भाई। मेरे को अंदर से अलग सी एक फीलिंग्स आ रही है, कैसी मतलब पहली बार देख रहा हूँ ना, गांव में रहता हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं हर बार ही ना मेरे को कैसा लगता मालूम क्या, नसीब नहीं होता है देख देख के। और ये देखो भाई, धनिया का खेत है ना है काला जीरा भाई, गलती से बोल लाल, ये लग रहा है धान है इसके नीचे से। ये देखो भाई, अभी ये धान बोया है, अभी तक इसमें से ये नहीं निकला है, पौधा नहीं निकला है, धीरे धीरे निकलेगा, ये देखो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। तो चलो अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई, बहुत बहुत कुछ। तो गाइस ओ माय गॉड, ऐसा कुछ भी मेरे को देखने को मिलेगा भाई, इतनी बड़ी नसीबी मेरे दिल में ना कुछ अलग सी फील आ रही है, अलग सी कुछ अलग से, मतलब इसमें ऐसा लग रहा है ना मैं कूद पड़ूँ, कूद के ना सब खट खट खट। लेकिन भाई खेती की है भाई, खेती की है लोगों ने, बहुत मेहनत से मिलता है ना हम लोगों को भाई। जो किसान है ना उनको कभी भी ना बुरी नज़र से मत देखो भाई, दिल से देखो भाई, दिल से देखो। आप लोगों को मालूम चल जाएगा वो कितनी मेहनत से खेती करता है, कितनी मेहनत लगती है खेती, एक पौधा बोने में कितनी मेहनत लगती है। गाइस मेरे लिए लाइक नहीं करना, जो किसान है जो इतनी मेहनत करके इतने सारे खेत को जोता है और इन लोगों ने फल उगाया है, वो फल हम लोग खाते हैं, ये सरसों का तेल जो हम लोग खाते हैं ना पीते हैं मतलब खाना बना के, तो उसके लिए लाइक कर देना। और चैनल पे नए हो गए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना किसान लोगों के पास, बड़े बड़े घर वालों के पास, जो लोग अभी भी इसकी अहमियत नहीं बूझते, वो अहमियत नहीं समझते हैं तो वो लोग समझ जाएंगे कि एक किसान कितनी मेहनत करता है, उसके बाद उसको एक अनाज मिलता है। और एक अनाज बोने में बहुत टाइम लगता है भाई, बहुत बहुत, आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा है यूट्यूब पे ऐसा वीडियो किसी ने दिया होगा, अगर दिया भी होगा तो भाई वो भी बहुत लकी वाला होगा। तो चलो थोड़ा सा यहाँ से अंदर जाएंगे भाई, अंदर जाने में जो मज़ा है ना भाई कतई जहर। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे फिर आप लोगों को, और एक चीज़ भाई, पूरी वीडियो देखना तभी मज़ा आएगा, अभी तक और भी वीडियो है जो हम करने वाले हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। तो चलो यहाँ से हम अंदर जाते हुए भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत, मतलब इतना मज़ा मेरे को पहली बार वीडियो बनाने में मज़ा लग रहा है और ख़ुद को भी अच्छा लग रहा है। तो चलो लेट्स गो भाई साहब, यहाँ पे कोई ऐसा बैठ नहीं जाए ना तो इधर उधर के लोग देख नहीं पाएंगे, समझ लो गपचुप गपचुप, उल्टा सीधा मत लेना माइंड में भाई, ऐसा ही बोल रहा मैं, मेरे मुँह से निकल गई, मेरी जवान फिसल गई, जो भी हो फिसल जाती है। तो इधर कोई बैठेगा ना, ऊपर से दिखा कोई देख भी नहीं पाएगा भाई मैं हूँ या नहीं, कोई नहीं देख पाएगा कोई भी। तो चलो और हम आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद मधुमक्खी की आवाज़ आप लोगों को थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, यहाँ पर मधुमक्खी ज़्यादा है क्योंकि ये फूल में बहुत मिठास रहती है, तो अभी मिठास पीने के लिए वो आते हैं और इसका जो मधु रहता है देखो उड़ गया, अरे माय मिस्टेक, ये देखो पास से देखा भाई, एकदम पास से देखा भाई साहब, दिख रहा है ये जो मधुमक्खी है भाई साहब कैसे पी रही है इसका रस। तो चलो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दिखाएंगे भाई साहब, मज़ा आ गया कहते भाई, मज़ा आ गया मतलब स्वाद आ गया भाई, स्वाद मीठा सा आ गया। और यहाँ पे और भी पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं इधर, अगर आप लोगों को दिखाएंगे चार ही साइड में तो भाई बहुत 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 खेती हुई है। और ये बेहतरीन नज़ारा देखने के लिए हम लोगों को, किसान को थैंक यू सो मच, किसान लोग धन्यवाद जो इतना सारा आप लोग खेती करते हो और इतनी मेहनत करते हो, मेहनत करने के बाद आपको दो एक अनाज मिलता है उनको हम लोग समझ पाते हैं क्योंकि मैं भी खेती करता हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दिल से, थैंक यू सो मच खेती है लोग,
और किसान लोग। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर देना। तो चलो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।